नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे अंबाला से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सभी बॉर्डर से बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। अंबाला के एसपी राजेश कालिया का बयान सामने आया है, यातायात बहाल करने के लिए बैरिकेड्स को हटाया गया, पंजाब के सील बॉर्डर को भी खोला जा रहा है, ऐसा एसपी ने कहा है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, उनके बयान की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि पंजाब के सील बॉर्डर्स को खोला जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी बॉर्डर्स से बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। इससे पहले बैरिकेडिंग की गई थी किसानों को रोकने के लिए, लेकिन फिलहाल जब दिल्ली में एंट्री की अब इजाजत मिल गई है, तो ये बड़ा अपडेट अंबाला से सामने आ रहा है, जहां पर सभी बॉर्डर्स से अब बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है। अंबाला के एसपी राजेश कालिया ने बयान देते हुए बताया कि यातायात बहाल करने के लिए तमाम बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है, पंजाब के सील बॉर्डर्स को भी खोला जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान आंदोलन को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। हालांकि कल रात से ही तैयारियां पूरी की गई थी किसानों को रोकने के लिए, और जगह जगह पर तस्वीरें भी सामने आई जहां पर बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली गई। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके की हिंसक तस्वीरें सामने आई, वो अपने आप में बेहद गंभीर। इन सब के बीच किसानों को आखिरकार राजधानी दिल्ली में एंट्री की परमिशन मिल गई, और उसके बाद अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर तमाम जो सील बॉर्डर्स थे उनको भी खोला जा रहा है, पंजाब के सील बॉर्डर्स को खोला जा रहा है, सभी बॉर्डर से बैरिकेडिंग भी हटाई जा रही है, जिससे कि आम जनता को परेशानियां ना हो, क्योंकि कई रास्तों को बंद कर दिया गया था, कई जगह पर जाम की परिस्थिति सामने आई। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी यातायात को लेकर आम जनता को यहां पर झेलनी पड़ी। फिलहाल ये बड़ा अपडेट, जहां पर अंबाला के एसपी राजेश ने यह बड़ा बयान दिया है। अमन कपूर सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ के ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर तमाम बॉर्डर जिन्हें सील किया गया था उन्हें खोला जा रहा है, बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए रचना, जो एहतियातन जो है बॉर्डर सील कर दी गई थी, क्योंकि पंजाब के किसानों की तरफ से कॉल दिया गया था हरियाणा के अंदर दाखिल होने का, तो वो जो है किसान जो है बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद जो लोग हैं, यात्री हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिन चीजों को देखते हुए अंबाला पुलिस की तरफ से जो अंबाला को बॉर्डर टच करते हैं उन सभी जगह से सील बॉर्डर को खोलने का निर्णय ले लिया गया है, और साथ साथ जो बैरिकेडिंग्स हैं जो है उनको हटाना शुरू कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। तो एसपी अंबाला जो है राजेश कालिया, उनकी तरफ से उनसे हमारी बातचीत है, तो उन्होंने कहा है कि जितने भी सील बॉर्डर हैं उनको खोलने का ऑर्डर दे दिए गए हैं, जहां बैरिकेडिंग थी उनको हटाने के निर्देश दिए गए, तो जितने भी बॉर्डर हैं उन सभी को खोल दिया जाएगा। बिल्कुल अमन, ऐसे में कब तक बैरिकेडिंग हटाने का ही पूरा काम संपन्न हो जाएगा? देखिए, जो ट्रैफिक है उसको चलाना जो है शुरू कर दिया गया है, कुछ ही देर के अंदर जो ट्रैफिक है वो सुचारू हो जाएगी, क्योंकि कुछ समय जरूर लगेगा सुचारू होने में ट्रैफिक को, लेकिन जो बैरिकेडिंग है उसको पुलिस के द्वारा साथ ही हटाना शुरू कर दिया गया था, और काफी हद तक जो है बॉर्डर खोल दिया गया है, लेकिन कुछ समय लगेगा जो ट्रैफिक है उसको जो है सामान्य होने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब तमाम जो बॉर्डर्स जिन्हें सील कर दिया गया था उन्हें खोला जा रहा है, बैरिकेडिंग को भी हटाया जा रहा है।